हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और मटर से बना हुआ एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता रेसिपी। ये एक सैंडविच बना रही हूँ मैं और ये बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार होता है। ये देखिए अंदर से अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ये मैंने आपको काट के भी दिखाया है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप मटर चाहिए और इस मटर को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। ये कच्ची फ्रेश मटर है। 1 कप मटर को हम डालते हैं मिक्सी के जार में और इसमें हम 3-4 कलियाँ डालते हैं लहसुन की और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का डालते हैं। अदरक को मैंने काट के डाला है जिससे ये जल्दी से बारीक पिस जाए। और अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर तीखा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च लिए हैं और इसको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। इसे बारीक पेस्ट बनाना है आपको, दरदरा नहीं पीसना है। तो ये बारीक हमने पीस लिया है। अब हम एक बाउल में 1/2 कप सूजी लेंगे। ये 1 कप है, इसको मैंने आधा करके 1/2 कप सूजी ली है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही। ये दही रूम टेम्परेचर पे आपको लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का दही होना चाहिए। तो आपके पास अगर इस तरह का मेजरमेंट कप नहीं है तो आप कोई भी कप, नॉर्मल कप अपने घर में ले लें और उसी से आप मेज़र करें। और इस कप में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ऐड कर लिया है। अब इस सूजी के अंदर दही को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मटर का जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। थोड़ा पानी डाल लेते हैं इसमें क्योंकि ये सूजी है तो सूजी थोड़ी सी फूलती है, तो इसको हमें थोड़ा पतला रखना पड़ेगा। तो इसमें हम पानी डालते हैं, पहले थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और पानी इसके अंदर जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी को आपको इस तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि ये सूजी अभी थोड़ी सी फूल जाएगी। तो इसको अब हम कवर करके रखते हैं 10-15 मिनट के लिए। आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये बहुत थोड़ा सा पहले से थिक हो गया है। ये देखिए सूजी हमारी सेट हो गई है, फूल गई है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। मसाले ऐड करेंगे थोड़े से। तो ये मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, चाट मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है और हमने इसमें सब्जियां भी ऐड कर ली हैं तो थोड़ा सा और थिक हो गया है ये। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। बस इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, इसी तरह की हमें चाहिए। अब इसमें हम खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा हम यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो का पाउच ले सकते हैं और उसमें से 1/2 पाउच आप ऐड कर सकते हैं। जो न्यूट्रल फ्लेवर की इनो होती है वो ले सकते हैं। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये सैंडविच मेकर है और इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। तो बटर को हम दोनों साइड लगा लेंगे। अच्छी तरह से दोनों तरफ बटर लगाएं आप और उसके बाद इस सैंडविच को आप बनाएं। तो ये मैंने बटर लगा लिया है। अब हम इसमें
जो हमारा बैटर है वो रेडी है बिल्कुल, और वो बैटर हम इसमें डाल के सैंडविच बनाते हैं अपना। तो यहाँ पे हम बैटर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे नहीं तो वो निकलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर इसके अंदर डालेंगे। मैं एक छोटी स्पून से इसमें डाल रही हूँ बैटर। तो मैंने 4 चम्मच यहाँ पे बैटर ले लिया है और इसको इस तरह से फैला रही हूँ। थोड़ा सा और जाएगा, इस तरह से फैलाएंगे। 4 से 5 चम्मच, 5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दी है छोटी वाली, और इसको अब इस तरह से फैला देंगे। 1 चम्मच बैटर और डाल देते हैं बीच में, तो तकरीबन 6 चम्मच इसके अंदर बैटर आ गया है। और अब इसको हम कवर करेंगे, थोड़ा और डालिए मैंने, 6 से 7 चम्मच आप इसमें डाल दें और आप इसको कवर करें। फ्लेम को ऑन करके आप इसको एक साइड से पहले 1-2 मिनट के लिए पका लें, इस तरह से क्लोज करना है आपको। और अब फ्लेम को ऑन करके हम इसको पकाते हैं। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपको लो करना है फ्लेम को बिल्कुल, और उसके बाद आपको एक साइड से इसे सेकना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड से सेकना है, फिर इसको हमने पलट के दूसरी साइड से सेकना है। तो अब इसको पलट लेते हैं दूसरी साइड से। 1 मिनट के बाद मैंने इसे पलट के दूसरी साइड से सेक लिया है। अब मैं 1 मिनट के बाद आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हल्का सा पक चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से इसे सेक लेंगे और उलट पलट करके हम इसको अच्छी तरह से पकने तक पकाएंगे, यानी कि इसको 4-5 मिनट लग जाएंगे दोनों साइड से पकने में। ये देखिए, थोड़ा सा हम दूसरी साइड से भी इसे पका लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पकाना है, तभी अंदर तक अच्छी तरह से ये कुक होगा। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया है ये। ये देखिए, बहुत अच्छे से फूल भी गया है। तो ये हमारा सूजी और हरी मटर से बना हुआ नाश्ता बिल्कुल रेडी है बनके। इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसे टमाटो केचप के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ। देखिए, अंदर तक अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। आप इसे इस तरह से लो फ्लेम पे पकाएं, बस आपको ध्यान रखना है लो फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए उलट पलट करके पकाएं। बहुत ही अच्छा आपका सैंडविच बनके तैयार होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।